गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकुलिया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल वाली क्लास में हमने सबशक्ति का अध्ययन किया था, आज हम हमारा जो अगला टॉपिक है कावे दोष, कावे दोष का अध्ययन करेंगे। कावे दोष, दोष का अर्थ होता है कोई कमी या बुराई, कमी या बुराई, कमी या बुराई अर्थात जब भी किसी काव्य पंक्ति में व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई कमी दिखाई देती है या कमी होती है तो उसे काव्य दोष कहा जाता है। यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से किसी काव्य पंक्ति में कोई कमी रह जाती है या कवि जानबूझ करके ऐसी कमी प्रकट कर देता है तो उस काव्य पंक्ति को व्याकरण दृष्टिकोण से क्या माना जाता है, काव्य दोष के अंतर्गत माना जाता है। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमी या बुराई। काव्य दोष का शाब्दिक अर्थ होता है कमी या बुराई। काव्य दोष का शाब्दिक अर्थ होता है कमी या बुराई, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु में किसी चीज का अभाव होना, ही दोष कहलाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी चीज का अभाव होना ही किस नाम से जाना जाता है, काव्य दोष के नाम से या दोष के नाम से जाना जाता है। इसी अनुसार किसी काव्य पंक्ति में अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से कोई कमी होती है तो उसे काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन के अनुसार हिंदी का व्याकरण था आचार्य वामन, उसके अनुसार
गुण विपर्याया व्यारो दोसे अर्था अर्था किसी काव्य पंक्ति में किसी काव्य पंक्ति में गुणों के गुणों के विरोधी तत्वों को ही विरोधी तत्वों को ही दोष कहा जाता है। गुणों के विरोधी तत्वों को ही दोष कहा जाता है। अगली परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष की क्या परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण रचना में उनकी ये पंक्ति दे रखी है, रसा रसा पर कसका दोष है, अर्थात अर्थात काव्य आनंद काव्य आनंद को दूर ले जाने वाले काव्य आनंद को दूर ले जाने वाले तत्व है दोष कहलाते हैं। काव्य आनंद को दूर ले जाने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्या हब्बीन दोष है। आचार्य ब्राह्मण के अनुसार मुख्य हब्बीन दोष है, अर्थात अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ का मुख्य अर्थ का हनन करने वाले मुख्य अर्थ का हनन करने वाले तत्व
दोष कहलाते हैं। मुख्य अर्थ का हनन करने वाले तत्व काव्य दोष के नाम से जाने जाते हैं। दोष के मुख्यतः काव्य दोष के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। काव्य दोष के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और नंबर तीन है वाक्य दोष। तीन प्रकार के काव्य दोष स्वीकार किए गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। शब्द दोष जिसमें व्याकरण संबंधी कोई बुराई हो, व्याकरण संबंधी कोई बुराई हो। अर्थ दोष जिसमें अर्थ संबंधित कोई कमी हो या बुराई हो। और वाक्य दोष जिसमें वाक्य से संबंधित कोई कमी या बुराई हो, तो उसे वाक्य दोष कहा जाता है। सबसे पहला है शब्द दोष, शब्द दोष इसमें व्याकरण संबंधी कोई बुराई होती है, यानी व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध यदि किसी शब्द या पद में यदि किसी शब्द या पद का प्रयोग किया जाता है तो वहां शब्द दोष या पद दोष माना जाता है। शब्द दोष या पद दोष माना जाता है। जैसे कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी, कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। देखिए बच्चों इसमें कुमुदिनी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, कुमुदिनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसमें कवि ने पुल्लिंग शब्द की तरह क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः इसमें व्याकरण के नियमों के विरुद्ध या व्याकरण
दो सेल इसी कारण से इसमें क्या माना जाएगा, पद दोष या शब्द दोष माना जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में कुमुदिनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, कुमुदिनी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि शिष्यार्थ, जबकि इसके साथ प्रयुक्त खिल गया पुल्लिंग वाचक है, पुल्लिंग वाचक है, आता है व्याकरण के नियमों के विपरीत, व्याकरण के नियमों के विपरीत क्रिया का प्रयोग होने के कारण इसमें शब्द या पद दोष माना जाएगा, इसमें शब्द या पद दोष माना जाएगा। अगला है आपके वाक्य दोष क्या होता है बच्चों, कि किसी वाक्य का क्रम भंग कर दिया जाता है, वाक्य का क्रम भंग कर दिया जाता है, किसी वाक्य की रचना करते समय, वाक्य की रचना में पाया जाने वाला दोष वाक्य दोष माना जाता है, वाक्य दोष माना जाता है। व्याकरण से संबंधित किसी वाक्य की रचना करते समय उसमें कर्म का जो नियम है, यानी कौन सा शब्द किस स्थान पे आना चाहिए, ऐसी कमी अगर किसी वाक्य में रह जाती है या पाई जाती है तो उसमें वाक्य दोष माना जाता है। जैसे अमानुषी भूमि बाघड़ी करो, अमानुषी भूमि अबाघड़ी करो, तुलसी के द्वारा कर या तुलसी द्वारा रचित ये उदाहरण है।
प्रस्तुत उदाहरण में रावण का कथन है कि रावण का कथन है कि मैं इस भूमि को मनुष्य आव वालों से मनुष्य और वालों से रहित कर दूंगा। मैं इस भूमि को मनुष्य और वालों से रहित कर दूंगा, परंतु वास्तविक रूप में देखने पर इसका यह अर्थ प्रकट होता है, वास्तविक रूप से देखने पर इसका यह अर्थ प्रकट होता है कि मैं मनुष्यों से रहित भूमि को बंदरों से रहित कर दूंगा, मनुष्यों से रहित भूमि बंदरों से रहित कर दूंगा। अर्थात ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। अतः यहां वाक्य सही वाक्य रचना नहीं होने के कारण वाक्य दोष माना जाएगा। वाक्य रचना सही नहीं होने के कारण से यहाँ पर कौन सा दोष माना जाएगा? वाक्य दोष माना जाएगा। नंबर 3 है अपने अर्थ दोष। अर्थ दोष में क्या होता है कि कवि जब किसी काव्य पंक्ति की रचना करता है तो उस काव्य पंक्ति में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देता है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देता है। उस समय उसमें अर्थ दोष माना जाता है, यानी शब्दों की जहां पर आवश्यकता नहीं होती है ऐसे शब्द भी कभी
किसी कार्य पंक्ति में काम में ले सकता है तो उसमें अर्थ दोष माना जाता है। जब किसी वाक्य में अर्थ से संबंधी या अर्थ के संबंध में कोई दोष पाया जाता है तो वहां अर्थ दोष माना जाता है। तो उस वाक्य में अर्थ दोष माना जाता है। जैसे बाग्यु वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु वागीस अर्थात वन निधि नीर निधि जल भी और सिंधु वागीस ये सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची है। इनमें से किसी एक का प्रयोग करने से ही वाक्य का स्पष्ट वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। परंतु एक ही अर्थ हो प्रकट या स्पष्ट करने के लिए अनेक समानार्थी
आगे समानार्थी शब्दों शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः इसमें अर्थ दोष माना जाएगा। एक ही शब्द विशेष का बार बार यानी एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए उसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का एक आयु पंक्ति में एक से अधिक बार प्रयोग कर दिया गया है, इसी कारण से इसमें कौन सा दोष माना जाएगा, अर्थ दोष माना जाएगा। धन्यवाद मित्रों।